जी नमस्कार। नमस्कार। संवाद में आज हम बातचीत कर रहे हैं जाने माने पत्रकार लेखक सुनील श्रीवास्तव जी के साथ दिल्ली से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा पर बार बार हम लोग क्यों यह आरोप लगाते हैं कि विदेश जा करके वो देश का अपमान करते हैं, खासकर भाजपा नेताओं द्वारा। हम लोग क्यों नहीं यह मान लेते हैं कि मार्शल मैकलुहान ने कभी कहा था कि ग्लोबल विलेज है, विश्व ग्राम, और सभी को सभी कुछ कहने का अधिकार है। तो राहुल गांधी को क्यों नहीं अपनी बात कहने का अधिकार मिलना चाहिए? जी जो किसी चीज को के अधिकार का मिलने का तात्पर्य यह नहीं होता है कि आप कुछ भी बोल दें और कहीं भी बोल दें। और राहुल गांधी कुछ भी बोल देते हैं और कहीं भी बोल देते हैं। अपने यहाँ जब ये भारत में रहते हैं तब भी कुछ भी बोल देते हैं और कहीं भी बोल देते हैं, तो उसका तो कोई मायने नहीं रहता है। और खास तौर से राहुल गांधी के मामले में, जिन्हें अभी तक कहाँ क्या बोलें, कैसे बोलें, क्यों बोलें, ये कोई भी चीज उनके समझ में नहीं आती। और जहां तक अमेरिका की बात है, अमेरिका में जाने से पहले ही हमने बातचीत में कहा था कि वो भी अमेरिका में जा करके वह सब कुछ बोलेंगे जो उन्होंने चाइना में कहा था। और वह लंदन में? हाँ सॉरी लंदन में जा करके जो कुछ भी उन्होंने कहा था वो सब कुछ कहेंगे, देश के खिलाफ कहेंगे, देश के शासन के खिलाफ कहेंगे और विशेष रूप से मोदी के खिलाफ। तो मोदी के खिलाफ तो कहने का उनको ठीक है, एक विरोधी पार्टी के नेता होने के नाते सब कुछ कह सकते हैं, लेकिन इस ढंग से विदेश में जाकर के कहेंगे ये तो कहीं से भी उचित नहीं लगता। और जब वो प्रधानमंत्री को सिर्फ गाली ही नहीं देते बाकी सब कुछ कह जाते हैं, और अभी जो गए हैं वहां उन्होंने क्या क्या नहीं कहा और अभी आगे क्या क्या नहीं कहेंगे ये देखना होगा। अभी तो उन्होंने कहा कि वहां पर मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध या और भी जो माइनॉरिटीज के लोग हैं उनको बहुत कष्ट है, वो बहुत गिरी हालत में हैं और अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं। और खास तौर से उन्होंने 80 के दशक की बात की थी। तो यहाँ जिस समय की बात राहुल गांधी करते हैं उस समय शायद उनकी उम्र 12 या 13 साल रही होगी, इससे ज्यादा तो नहीं रही होगी अगर हम इस समय उनकी उम्र 55 मान के चलें। तब पहली चीज। दूसरी चीज ये कि ठीक है, उम्र की कोई दिक्कत नहीं है, क्या उनको कांग्रेस का इतिहास भी नहीं मालूम है कि कांग्रेस सत्ता में कब कब रही, कहाँ कहाँ रही? अगर 80 और 95 की बात की जाए तो उस दशक में केंद्र में भी और राज्यों में भी उन्हीं की सरकार थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी। और उस समय इंदिरा गांधी भी थी सत्ता में, और 84 में उनकी मृत्यु के बाद राजीव गांधी भी थे सत्ता में। तो क्या यह मान के चला जाए कि उनके समय में जो है वो भी यही स्थिति थी जो आज है? लेकिन इन स्थितियों को देखने के लिए राहुल गांधी को हमें यह भी बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ी आबादी भी है मुस्लिम की, यहाँ वहां उन्होंने क्यों नहीं इतना काम किया, इतनी सुविधाएं दी कि मुस्लिम समाज उठ सके? और वहाँ नारायण दत्त तिवारी तक वहाँ मुख्यमंत्री थे, तब तक वहाँ ऐसी कोई स्थिति क्यों नहीं बनी कि उनके शासन काल में जो है मुस्लिम ऊपर उठ सके?
और सच तो यह है कि उस पूरे कार्यकाल में कांग्रेस के, जिस कार्यकाल की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, उस कार्यकाल में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को ही नहीं, दूसरे जो माइनॉरिटीज थी उनको झूठे वादे दे करके ललीपॉप की तरह उन्होंने बहुत कुछ दिया, और उसका प्रतिफल भी उनको मिला कि उनको वोट भी मिले, क्योंकि समर्थन से ही तो कुछ बात आप कह लीजिए, लेकिन हम अनुमान तो यही करेंगे ना कि किसको कितने परसेंट वोट मिले और वो शासन में आया, तो वहां पर तो उनकी स्थिति अच्छी थी। और उसी समय जो है, क्यों ये कहते हैं कि स्थिति खराब थी और सब कुछ गड़बड़ था, मुस्लिम वहां पर असुरक्षित थे और ये सारी चीजें वो कह जाते हैं, ऐसा तो नहीं है। और फिर जब वो आर्थिक स्थितियों की बात करते हैं, मुस्लिम की बात करते हैं, लोकतंत्र न रहने की बात करते हैं, लोकतंत्र पर खतरे की बात करते हैं, तब उनको यह भी समझना चाहिए कि लोकतंत्र पर सबसे बड़ा खतरा ही नहीं, बल्कि लोकतंत्र था ही नहीं जब इंदिरा गांधी ने यहाँ पर आपातकाल लगाया था, और जेपी से लेकर के इसी मोहल्ले के राम सिंह ने भी जेल काटी, और 1 महीने 2 महीने नहीं, 1.5-2 साल तक वो जेल में रहे। तब लोकतंत्र कहाँ था? तब तो लोकतंत्र जिंदा बचा ही नहीं था। सब लोग आज वो मोदी को तानाशाह कहते हैं, और उस समय कौन तानाशाह कर रहा था? उस समय तो इंदिरा जी ही तानाशाह थी। और उसके बाद जब इमरजेंसी हटी, ठीक है, जनता पार्टी की सरकार आई, जनता दल की, उसके बाद फिर इंदिरा जी आई, फिर राजीव गांधी आए, तो हम कह रहे हैं कि इतने बड़े समय में, इतने बड़े कालखंड में वो क्यों नहीं मुस्लिम को अपना हक या अधिकार या उनको सुरक्षित कर पाए? यहाँ पर एक चीज और गौर करने की है कि उनकी जो यात्रा है अमेरिका की, वह यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के थोड़े से दिनों पहले एक है, जहां वो जा करके एक माहौल बना रहे हैं, मोदी के खिलाफ कह लीजिए, देश के खिलाफ कह लीजिए। और एक चीज और भी यहाँ पर गौर करने की बात है कि इस आयोजन, इस उनका जो टूर है, आयोजन है, किसने किया है, वहां कौन है जो आयोजित कर रहा है? यह तो सर्वविदित है कि कौन आयोजित कर रहा है। सैम प्रतोदा वहां पहले से हैं, और स्क्रिप्ट वह पहले से ही लिखी जा चुकी है, और यह स्क्रिप्ट अगर आप गौर करें उनके वक्तव्यों पर और उन जगहों पर जहां ये जा रहे हैं अमेरिका में, न्यूयॉर्क से लेकर के और जहां कहीं भी मैनहट्टन, हर जगह जाएंगे, जा रहे हैं, वहां के ऑर्गेनाइजर अगर आप गौर करें तो वह सारे लोग हैं जो भारत विरोधी हैं, यकीन। और अगर आज पूछा जाए कि 47 से लेकर जब तक इनका शासन था 2014 तक, 2013 14 तक, कुछ महीने थे 14 के, तब तक कौन सा ऐसा मुस्लिम उद्योगपति है? कोई उद्योगपति तो इन्होंने खड़ा नहीं किया मुस्लिम का, सिर्फ वोट लेते रहे, उनको मंत्री पद देते रहे, और लेकिन इन समाज में जो उनके चीजें थी, उस समाज को सुधारने में तो उन्होंने कोई काम नहीं किया, चाहे वो रामपुर हो, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे दूसरे जगह हो, वहां पर या तो चूड़ी बनाने का काम करते रहे, या ताला बनाने का काम करते रहे, या दूसरे अन्य छोटे छोटे काम करते रहे। इनको उद्योग, एक शेरवानी थे, आज शेरवानी की स्थिति भी खराब है, जी फ्लैश लाइट भी बंद हो चुका है, इनके हिस्से में कोई ऐसी फैक्ट्री, कोई ऐसा उद्योग नहीं है जो मुसलमानों के हाथ में है। अगर वो इतना ही भला चाहते थे तो
तो क्यों नहीं किसी मुस्लिम उद्योगपति को इन्होंने खड़ा किया, जबकि उस समय टाटा थे, बिरला थे, उसको खड़ा कर सकते थे। आखिर कांग्रेस के जमाने में ही अंबानी भी तो खड़े हुए, तो किसी मुस्लिम को क्यों नहीं खड़ा किया? और जबकि उनके नेता भी थे, अबुल कलाम आजाद थे, फखरुद्दीन अहमद थे, श्री माली थे, सारे लोग थे। उन लोगों ने भी नहीं किया कि हाँ हमारे समाज की उन्नति हो, तो उनको तो हमेशा नीचे ही रखा गया। और हमारे पास आर्थिक विकास नहीं किया है, और जो छोटी जातियां हैं या अल्पसंख्यक है उनके विकास के लिए कुछ नहीं किया। तो आखिर ये सारी चीजें तो आपने क्यों नहीं क्या किया? प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वे भारत में मन की बात करते हैं और राहुल गांधी वे विदेश में जाकर के मन की बात करते हैं? आप मन की बात कीजिए ना, विदेश में भी कीजिए मन की बात, लेकिन वह बात मत कीजिए जो कि हम अपने पड़ोसी से अपने घर की बात तो नहीं करते हैं, और आप यहाँ से जा करके और अमेरिका से कहते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र नहीं है। यह तो मन की बात नहीं है। और मन की बात तो मोदी ऑल इंडिया रेडियो से करते हैं, पूरा देश सुनता है। अब वो तो एक छोटे से समूह को लेकर करते हैं, 1,500, 2,000, 4,000 जो भी है। और वह मन की बात जो करते हैं, वो विकास की बात करते हैं, वो लोगों को शिक्षा की बात करते हैं, दोनों लोगों को आर्थिक विकास की बात करते हैं, खेल कूद के विकास की बात करते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं वहां मन की बात? आप मन की बात अगर आपको करनी है, जो जो चीजें आप कह रहे हैं वो चीजें तो आप हिंदुस्तान में आकर जनता के सामने कहिए कि आपको जो है कोई सुविधा नहीं मिल रही है, आप बहुत कष्ट में हैं, आपको बोलने की आजादी नहीं है, जो भी कुछ कहना हो आप यहाँ कीजिए। विदेश में जाकर आप क्यों कहते हैं? आप लंदन से कहते हैं कि आइए, वहां पर तो लोकतंत्र मर रहा है, तो क्या विदेश की संस्थाएं आकर के हमारे यहाँ लोकतंत्र स्थापित करेंगी? अमेरिका स्थापित करेगा लोकतंत्र, ब्रिटेन करेगा लोकतंत्र, हम अपने लोकतंत्र को हम मजबूत करेंगे या हम करेंगे? आप विदेश से क्यों करते हैं? और इसका सीधा सीधा राहुल गांधी को अमेरिका में यह सवाल नहीं उठाना चाहिए था अमेरिकन के लिए कि वहाँ व्हाइट एंड ब्लैक के साथ जो संघर्ष चल रहा है, क्या वो संघर्ष नहीं है? क्या वहाँ की एक समस्या नहीं है? अगर आप जा रहे हैं वह तो देखो, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज जो वहां का इन्फ्लेशन है वह पहुंच चुका है 4 से 5% के बीच, जबकि हिंदुस्तान का 4.7 है। वहां तो अभी अभी खबर आई है कि 4-5 दिन के लिए उनके पास मुद्रा है, विदेशी मुद्रा या पैसा, जबकि कई लाख करोड़ रुपया जो है, कई 100 लाख करोड़ रुपए उनके पास अभी हैं, जो कि उनको मुद्रा खत्म हो रही है। उनका बैंक जो है जहां ये जा रहे हैं मैनहट्टन, वहां का तो बैंक ही करप्ट हो चुका है, वहां की आर्थिक स्थिति तो और बिगड़ गई है। तो उसको तो इनको पता होगा तो भी नहीं जाए कहेंगे ना, इसलिए नहीं कहेंगे कि ये गए तो दूसरे मुहिम के लिए हैं, गए तो या 2024 के लिए किरकुट वोट के लिए कर रहे हैं, टूल किट तैयार कर रहे हैं, तो अमेरिका की बात क्यों करेंगे? और जो अमेरिका में जिसके साथ बात भी कर रहे हैं वो कौन है? वो भारत विरोधी लोग। तो इनको अमेरिका से कोई मतलब है नहीं, इनको सिर्फ यह है कि हम जा करके विदेश में भारत की छवि कैसे खराब करें, और वहां के जो एनआरआई हैं जिनको कि मोदी का प्यार है, मोदी को इतना प्यार करते हैं, वहां का प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया का जो प्रधानमंत्री है, सब उनको आदर देते हैं, उनसे फोटो मांगते हैं, उनसे कहते हैं कि हमको जो है आप अपना ऑटोग्राफ दे दीजिए, तो उनको कैसे यह पचा पाएंगे राहुल गांधी? वह राहुल गांधी जो कि अभिजात वर्ग में पैदा हुए और उनके जवाहरलाल नेहरू का कपड़ा विदेश में धोने के लिए जाता था, और उनको जो है आज इस बात के लिए दौड़ना पड़ता है कि हमको जो है वह हमारा पासपोर्ट बना दिया जाए, और वो भी सरकार 10 साल के नहीं बनाती है, 3 साल के लिए बनाती है, और फिर उनको वीसा फटाफट मिल जाता है। और वही अमेरिका जो कि 2 साल तक यहाँ पर अपना अम्बेसडर नहीं भेजा, उसके बाद उसने यहाँ अम्बेसडर भेजा, और वह अम्बेसडर यहाँ से जा करके महाराष्ट्र जाता है, दूसरी जगहों पर जाता है, लेकिन
और कहीं वो जाता नहीं है। तो ये सारे टूल किट तैयार हो रहे हैं, और अमेरिका की बात तो आप छोड़ दीजिए, दूसरी जगहों पर भी जाकर के यही कहेंगे। अभी तो 24 आते आते कहाँ जाएंगे ये तो मालूम नहीं, इटली भी चले जाएंगे, कहीं भी जा सकते हैं ये, और जाके वही तो कहेंगे। क्या उनके सबसे बड़ी भाषणों को तैयार करने में जो लोग रहते हैं वो कांग्रेस की सरकार की भी असफलताओं भी विफलताओं को उसमें गिना देते हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को लेकर कुछ उनका नजरिया बदल रहा है क्या, कि उसमें अपनी सरकार की विफलताओं को भी प्रवेश करा दे रहे हैं? वो इसके लिए है ही नहीं, वो तो जो टूल किट तैयार कर रहे हैं उसमें कांग्रेस को कैसे कहेंगे कि असफल, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। जिनका मोटिव ही दूसरा है वह कैसे अपनी विफलताओं को गिनाएंगे, वो तो गए ही हैं इसलिए कि हम यहाँ पर सत्ता में आ जाएं, हम टूल किट तैयार करें और यहाँ पे सरकार को बदनाम करें। और ये भी ध्यान देने की बात है कि जहां इन्होंने भाषण दिया वहां पर संख्या तो कम थी ही थी, और उन्होंने सारे लोगों का नाम लिया, अल्पसंख्यकों का, हिंदुओं का नाम उन्होंने लिया ही नहीं। क्या हिंदू नहीं कष्ट में है? सिर्फ हिंदू ही यहाँ पर सबसे ज्यादा सुखी है या सबसे ज्यादा दुखी जो है अल्पसंख्यक ही है? और वहां पर उन्होंने भाषण दिया जहां की राष्ट्रगान के समय आधे लोग जो थे उठे ही नहीं। इसका मतलब कि वहां के जो लोग थे वो एंटी भारत के ही, एंटी इंडिया के ही लोग थे, और इसको नहीं कह सकते थे राहुल गांधी कि भाई हमारा नेशनल एंथम हो रहा है आप खड़े हो जाइए। तो वहां भी तो अपमान ही इन्होंने सहा है। तो यह कहना जो है कि कांग्रेस का वो करेंगे, बड़ाई करेंगे या कांग्रेस के जमाने की उपलब्धियां गिनाएंगे या अपनी कमजोरियां गिनाएंगे, ये तो है ही नहीं। उनका जो मोटिव है वो तो सीधा सीधा मोटिव है कि भारत को बदनाम करो, अपनी जो है जो चीजें हैं उनको टूल किट तैयार करो 2024 के लिए, चाहे वो जहां जाए वहां टूल किट तैयार करें और उसके बाद वो फिर वापस आ जाए। और यहाँ आने पर जो उनके कांग्रेस के लोग हैं या उनके समर्थक हैं, जैसे जनता दल है, समाजवादी पार्टी है, शिवसेना उद्धव है, ये तो उनकी अभी ही बड़ाई कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा साहब ठीक कहा उन्होंने, जनगण मन के लिए तो यहाँ भी नहीं लोग खड़े होते हैं, क्या मतलब है इसका? यहाँ नहीं खड़े होते हैं पता चल जाए तो उनके ऊपर तो मुकदमा हो जाए, उनको तो देशद्रोह का उस पे मुकदमा चल जाए। और आप जो है कह रहे हैं कि वहां जो किया उन्होंने ठीक किया, वहां जो है भारत के आर्थिक विकास की बात यहाँ के संसद में कहे ना, यहाँ की जनता से बोले, वहां क्यों बोल रहे ना हैं? उन्होंने तो और न्यायालय न्यायालय के बारे में भी कहा कि सबसे अधिक सजा मुझे दी गई, इस तरह की सजा या न्यायालय ने किसी को नहीं दी। वही तो हम कह रहे हैं कि यहाँ के न्यायालय को वो नाकारा कहते हैं, यहाँ के अर्थव्यवस्था को नाकारा कहते हैं, यहाँ के शासन को नाकारा कहते हैं। अब ये हमको किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि न्यायपालिका के ऊपर ये कैसे उठा सकते हैं उंगली, जबकि इन्होंने जो गलती की है इनके ऊपर एक चीज नहीं है, ये तो इनके कांग्रेस के शासन काल से ही इनके ऊपर जो है वो नेशनल हेराल्ड का मुकदमा चल रहा है, सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था, और सुब्रमण्यम स्वामी के ही हस्तक्षेप से इनका जो 10 साल बनने वाला था एनओसी जो ले रहे थे 10 साल के लिए पासपोर्ट का, उनको 3 साल ही मिला। सुब्रमण्यम स्वामी ने न्यायालय में ये बात कही थी कि साहब इनको आप कैसे दे सकते हैं, ये तो जमानत पर है और लंबा इतना आप 10 साल दे दीजिएगा तो वापस ही नहीं आएंगे। तो ऐसे व्यक्ति न्यायालय को तो आलोचना करेंगे, लेकिन न्यायालय का आलोचना यहाँ करके देखें, क्यों नहीं इनको जो है वो मिल जाती है जमानत, जमानत तो मिल गई, लेकिन इनको इनके ऊपर क्यों केस होता है, हर जगह केस होता है और ये माफी मांगते हैं। तो न्यायालय माफ भी कर देता है और इनके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं होता है, और जब कार्रवाई होती है न्यायालय की कार्रवाई तो कभी भी बिना संविधान के तो हो नहीं सकती, बिना कानून के तो हो नहीं सकता है। तो जब कानून, अच्छा वो कानून जिसके अंदर ये कह रहे हैं कि हमको 2 साल वहां भी जाकर के रो आए वो, कि हमको वहां से 2 साल के लिए तो पद से हटा दिया गया, असंवैधानिक हो गया, न्यायपालिका को उन्होंने कोस दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन वह तो उन्होंने ही फाड़ा था ना, किसी दूसरे ने तो फाड़ा नहीं था।
तो अपनी गलती को क्यों नहीं कहते जाके विदेश में कि हमने यही एक गलती की थी, फाड़ दिया, नहीं तो हम छूट गए होते। और फिर हाई कोर्ट भी तो उनको नहीं छूट दे रही है, तो न्यायपालिका को आप कर, यानी कि पूरा का पूरा लोकतंत्र को ये कहते हैं कि हाँ लोकतंत्र ही नहीं है, या लोकतंत्र खतरे में है। अगर लोकतंत्र खतरे में होता तो इतना लोग गाली कैसे दे सकते थे, वो भी जनता के सामने भी गाली देते हैं, संसद में भी गाली देते हैं, अपने इंटरव्यू में भी गाली देते हैं, जहां मौका मिलता है वो गाली देने से तो बाज नहीं आते हैं। तो फिर लोकतंत्र खतरे में कैसे, कहते हैं बोलने की आजादी नहीं है, साहब हमको बोलने नहीं दिया जाता। अरे आप कितना गए हैं, पूरे 5 साल में शायद 25 बार 30 बार आप गए होंगे संसद में, 40 बार गए होंगे, 50 बार गए होंगे, क्या 50 दिन ही संसद चली 5 साल में? तो और आपने मुद्दे कौन से उठाए, राष्ट्रपति के भाषण के उस पर बोलना था और आप अडानी को लेकर के बोल रहे हैं, आपको बोलना कुछ और था, आप विषय ही वो नहीं छो मतलब पकड़ते हैं, आप विषय को जो है एकदम दूसरी तरफ डिरेल कर देते हैं। तो आपको बोलना तो वहां भी नहीं आता ना, वहां किसी को याद है कि इन्होंने जो है वो कभी भी जो है महंगाई के खिलाफ बोला हो, जिस अल्पसंख्यक की बात करते हैं उन अल्पसंख्यक की समस्याओं के बारे में बात की हो, या दूसरी और चीजें भी बात की हो इन्होंने, कभी विकास के बारे में राय दी हो, तो हमको तो याद नहीं कभी दिया हो इन्होंने, या किसी और मुद्दे पर भारत हिंदू सरकार को घेरना चाहिए था, इन्होंने तो नहीं घेरा, सिर्फ यह घेरते किस पर रहे, अडानी पर घेरते रहे, और घेरते ही नहीं रहे, पूरा सदन वॉकआउट कर गया और पूरा का पूरा सत्र उसी पर समाप्त हो गया। और बाद में सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आया कि अडानी जो है वह नीट एंड क्लीन है, और फिर भी आपको अडानी अडानी, फिर भी उनके जो है समर्थक और तो उनके क्या जो पीएम प्रवक्ता है मोदी जी अपनी यात्रा में राहुल गांधी के सवालों का जवाब देंगे, देना पसंद करेंगे? क्योंकि अगर गलतफहमी पैदा हुई है अगर वहां विदेश की धरती पर, तो एज ए प्राइम मिनिस्टर वो रिस्पॉन्स करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, वो करेंगे तो उसका तरीका दूसरा होगा, वो सीधे सीधे ये नहीं कहेंगे कि राहुल ने सफाई पेश नहीं करने जा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी सफाई पेश करने नहीं जा रहे हैं, वहां बाइडन के बुलाने पर जा रहे हैं, व्हाइट हाउस में 2 दिन उनका कार्यक्रम है, बाकी और भी जगहों पर उनका कार्यक्रम है, वह इतने पॉलिश्ड राजनीतिक हैं मोदी, इन सब बातों को नहीं कहेंगे, वो इतने छोटे नहीं हो जाएंगे कि उसका जवाब देते फिरेंगे। वो आज तक इन्होंने जितनी भी चीजें कही, अडानी पर तो उन्होंने कभी सदन में बात ही नहीं की, तो इन सब बातों पर क्यों बात बात करेंगे, इनकी बातों पर। और सबसे बड़ी बात हंसी आती है कि जब भी ये विदेश दौरे से आते हैं तो इनको कहते हैं अभी ये मेच्योर हो गए हैं, यानी 55 साल में अभी तक उनकी मेच्योरिटी नहीं आई थी, जब भी विदेश जाते हैं तो वहां से मैच्योर होकर के आते हैं। तो मोदी जी को कोई जरूरत नहीं है वहां का, वो तो अपने एजेंडे के तहत जाएंगे, विकास के एजेंडे पर जाएंगे और दूसरी भी जितनी चीजें हैं उस पर जाएंगे, और उसी देश में, देखिए हम भटक रहे थे और वही उसी देश को के जाकर के कह रहे हैं कि हमारा देश जो है वो हमारे प्रधानमंत्री खराब है और सब कुछ, लेकिन यह भूल जाते हैं कि अमेरिका को सबसे पहले कोरोना का डोज जो है हिंदुस्तान ने भेजा था, ये क्यों भूल जाते हैं? वो कोरोना का जो इंजेक्शन था यहाँ से गया था, वो दवा यहाँ से गई थी, और उसी के चलते उनका जो है जब भी विदेश गए थे तो उनका पैर पड़ा जा रहा था, उनकी प्रशंसा की जा रही थी, और शायद यही सब उनको खल रहा था। तो विदेश में जाकर के मोदी जी को ये कहने की जरूरत ही नहीं है, उनको क्यों कहने, अच्छी तरह जानते हैं वो जाएंगे तो अपने जो उनका एजेंडा होगा वहां के राष्ट्रपति से मिलना, दूसरे एनआरआई से मिलना, अपनी बातें कहना, अपने विकास के बारे में बताना, ये करेंगे। राहुल गांधी से पहले कौन ऐसा नेता गया था भाई जो कि वहां पर इनकी तरफ से बात कर रहा हो, या विदेश का कौन सा नेता हिंदुस्तान में आया जो अपने देश के बारे में कह रहा हो कि हमारे देश में विकास नहीं हो रहा, हमारा प्रधानमंत्री खराब है, हमारा राष्ट्रपति जो बेवकूफ है उसको कुछ नहीं आता है, या कौन कहता है? कोई नहीं कहता।
और ये जाकर के कहते हैं तो दुनिया के इकलौते ऐसे राजनेता हैं जो कि अपने ही देश की बुराई बाहर जाके करते हैं। नहीं, लेकिन ये जीत का एक लगता है कि चुनावी जीत का एक कोई एक कारक तत्व है कि इस तरह की आलोचना से कुछ नतीजे प्रभावित किए जा सकते हैं। छोटा सा जवाब, समय पूरा हो गया है। जी बिल्कुल नहीं, इन सब बातों से चुनावी नतीजों पर का कोई असर नहीं होगा। 2-4% जो मिलना होगा वो तो अपने आप मिलेगा, इससे कुछ नहीं फायदा। जी नमस्कार। नमस्कार।